और रहने दे यार। अरे मानव, इस बार सुन ले, इस बार कच्चा है। अरे रहने दे। मानव, ये देख तेरे बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड। अरे वाह मेहर, बढ़िया है, मजा आ गया। बर्थडे ड्रेस भी बालवीर जैसा और बर्थडे का इनविटेशन कार्ड भी बालवीर का। मुझे बात समझ में नहीं आई, और तू ये सब बालवीर जैसा क्यों कर रहा है? वो मानव, मैं समझाऊंगा। ओए कुकी, बोल पुकी। ये सब मानव बालवीर जैसा इसीलिए कर रहा है, उनके बर्थडे भी तो बालवीर का है। हाँ ओ कुकी पुकी, बर्थडे मेरा है। और तू पर तो बालवीर के लिए कपड़े क्यों सिलवा रहा है? बस ऐसे ही। वैसे कल मानव की बर्थडे पार्टी है हमारे घर पे, तुम दोनों भी जरूर आना। हाँ जरूर आएंगे। और ये रहा तुम्हारा इनविटेशन कार्ड। हाँ एक मिनट, ये लो, दिखा दिखा। ये होगी, ये देख। पुकी इन्होंने घर कार्ड पे नाम लिखा है। अरे तो जिसको बुलाना है उसका नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना। लेकिन कुछ कार्ड खाली भी तो रखनी चाहिए ना। वो क्यों? को इनवाइट करो, का नाम कार्ड पर लिख के दो, और जिसे इनवाइट नहीं करना है तो खाली कार्ड दे दो। इस तरह उन्हें कार्ड तो मिलेगा पर इनविटेशन नहीं। हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। हेलो। हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। बॉस, ये लोग तो एकदम अपर गए। मतलब बॉस इनमें भी अकल नहीं है लेकिन खुद को बहुत समझदार समझते हैं। ये क्या है? देख मंटू, ये मानव के बर्थडे पार्टी के इनविटेशन कार्ड है, इसे वापस कर दे। महर, पिछली बार तेरे बर्थडे में बालवीर ने मेरी बहुत इंसल्ट की थी। बॉस, उसके बाद भी कई बार की है। चुप, उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। मानव, तेरी ये बर्थडे पार्टी ना मैं होने नहीं दूंगा। बर्थडे पार्टी को मैं खराब कर दूंगा, जैसे तेरी ये कार्ड्स को मैं खराब करने वाला हूँ। मोंटू जी, मोंटू प्लीज हमें इनविटेशन कार्ड दे दे, महल ने बहुत प्यार से बनाया इसे। ओह बहुत प्यार से बनाया ना, तो इन्हें भी मैं बहुत प्यार से फाड़ूंगा। ये कौन था? मोंटू, मेरा मतलब है मोंटू। और जो भी था बड़ा भारी था पार्टी।
प्रदूषण, प्रदूषण कहाँ हो तुम? कौन है जो मुझे बुला रहे ला? अरे बालवीर, तू अपुन के पास आया है? वो क्या बोलते हैं अपुन लोग, खुश रहो। पृथ्वी लोक पे सब तुम्हारी वजह से परेशान है और तुम खुश रहो कह रहे हो? इसमें कौन सा नया बात है? पृथ्वीवासी अपुन प्रदूषण का माई बाप है। जिसने अपने को जन्म दिया है उनका बुरा नहीं मानता है अपुन। तुम्हारी वजह से पृथ्वी लोक पे बारिश नहीं हो रही और सूखा पड़ने की नौबत आ गई। अपुन की वजह से? वो कैसे? क्योंकि तुमने आसमान में जाने वाली सारी भाव को रोक रखा है, जिसकी वजह से बादल नहीं बन पा रहे हैं। इसमें अपुन का कोई मिस्टेक नहीं है, पूरा गलती ये इंसान का है। यही अपुन को पैदा करता है, बड़ा करता है, हर जगह फैलाता है। जो भी हो, पर तुम इस समय रास्ते से हट जाओ ताकि नदी के पानी से बनी भाव आसमान तक पहुंच सके और बारिश हो सके। ये काम अपुन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अपुन को कोई रास्ते से हटा सकता है तो वो इंसान खुद ही है। मगर वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वही तो अपुन को बनाता है। गाड़ी से निकलने वाले धुएं से, एसी फ्रिज से निकलने वाली गैस से, चिमनी के धुएं से, अरे फैक्ट्री के निकलने वाले कचरे से, हर जगह गंदगी फैलाने से, इसी सब से पूरे पृथ्वी का वो क्या बोलते हैं प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। और समय पे बारिश भी नहीं हो रही है। पृथ्वी लोक में बड़े और बच्चे ये सब करना बंद कर दे, सब कुछ अपने आप फिटम फिट हो जाएगा। ऐसा जरूर होगा प्रदूषण, मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे और बड़े तुम्हारी बात मानेंगे और प्रदूषण फैलाना कम करेंगे। लेकिन अब क्या करो, पृथ्वी लोक के बारिश होना बहुत जरूरी है। है इतनी बेचैन बालवीर से हारने के लिए, पता है इसे जबकि जीत नहीं सकती कभी बुराई बालवीर से। आओ बर्बाद रहो, दुखी रहो, परियो बको, क्या बुरी खबर लाए हो? तौबा तौबा, तुम्हारी शक्ल से बुरी और कोई खबर हो सकती है क्या? पहले अपनी शक्ल अच्छी करो, फिर तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। खामोश, बंद करो ये चूहे बिल्ली का खेल। अगर लड़ना ही है तो मेरे साथ लड़ो, मेरे दुश्मन बालवीर से। बताओ क्या खबर लाई हो नाराज तारस? बवंडर परी, आपकी आजादी की खबर परीलोक तक पहुंच चुकी है। और ये खबर सुनते ही उन परियों का चेहरा तो देखने लायक था, ऐसे घबरा रही थी जैसे मानो उनके ऊपर कोई तूफान टूट गया हो। बवंडर परी, यहाँ तो बालवीर आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो बालवीर आपको बोतल में कैद जरूर कर सकते हैं। इसीलिए आपको जल्द से जल्द कुछ भी कर भयंकर परी का दंड हासिल करना ही होगा। दंड तो मैं हासिल कर ही लूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे बदला लेना है मेरी हार का बालवीर से। और इस बार मैं नहीं, वो बालवीर आएगा मेरे पास। अरे है क्या बालवीर बागर आपकी इनकी तरह जो आएगा यहाँ? आएगा, जरूर आएगा। आओ मेरे बवंडरो, आओ और दे दो मुझे खुशखबरी।
माना तो उदास क्यों हो रहा है? मोंटू ने जो बर्थडे पार्टी के इनविटेशन कार्ड फाड़े है ना, मैं उन्हें वापस बना दूंगी। ओ हाँ हाँ माना, तू उदास मत तो हम मैं तेनो एक जोक सुनाता हूँ। और जब तुम पेड़ पे चढ़ा तो ऊपर बैठे रितु ने पूछा कि यहाँ क्यों आया, तो बोले एप्पल खाने। तो रितु ने कहा ये तो आम का पेड़ है, तो जितो ने कहा अरे एप्पल साथ में लाया हुआ है। वो लगता है जोक समझ नहीं आया, दूसरा सुना देता हूँ। ओके आज के लिए इतना बस है। ओके नेक्स्ट टाइम। मेहर हम जितनी बार इनविटेशन कार्ड बनाएंगे उतनी बार मोंटू से फाड़ देगा, उसने कहा था तुझे याद नहीं है? मैं तेरी बर्थडे पार्टी खराब कर दूंगा माना। ये कहा था मोंटू ने। अब तू चुप नहीं बैठेगा ना, मैं तुझे पीट दूंगी। माना पहले से ही परेशान है और तू है कि उसे और परेशान कर रहा है। मेहर इसे चुप करवाने से कुछ नहीं होगा, मोंटू ने जो कहा है वो उसे करके रहेगा। मानव मेरे होते हुए मोंटू तेरे बर्थडे पार्टी बिगाड़ नहीं पाएगा। अच्छा तो तूने क्या आइडिया निकाला है मिस्टर पुकी? मोंटू से पहले मैं तेरे बर्थडे पार्टी खराब कर दूंगा। खराब करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो मोंटू क्या खराब करेगा? इस बार भी अपने दिमाग से सबकी बोलती बंद करती है। आई एम प्राउड ऑफ यू पुकी। हमें बी 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 बच्चों को बचाने वाले बालवीर को बुलाना ही होगा और फिर हम बालवीर से मोंटू की शिकायत करेंगे, फिर बालवीर ही ठीक करेगा उस मोंटू को। गुड आइडिया। तुमने मुझे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? अब बालवीर पाजी अब पहले कुछ ठीक नहीं था लेकिन पुकी ने सब ठीक कर दिया। कुछ ठीक नहीं है बालवीर, कल मानव का बर्थडे है और आज मोंटू ने कि मोंटू मेरी बर्थडे पार्टी खराब करके ही रहेगा। नहीं मानो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मोंटू तुम्हारा जन्मदिन कभी नहीं बिगाड़ पाएगा। सच? हाँ हाँ सच्ची। और फिर मैं भी तुम्हारे जन्मदिन पर आऊंगा और तुम्हारे साथ केक भी काटूंगा। पालवीर तुम सच्ची में आओगे मेरी बर्थडे पार्टी में? हाँ हाँ पक्का। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा अभी दे देता हूँ। हम मानव हम तेरी बर्थडे पार्टी में लट्टू वाला गेम खेलेंगे क्या? अरे नहीं नहीं ये कोई साधारण लट्टू नहीं है, ये इच्छा पूरी करने वाले लट्टू है। मानव तुम अपने जन्मदिन पर तुम कोई भी तीन इच्छाएं इनसे मांगोगे तो वो तीन इच्छाएं ये लट्टू घुमाते ही पूरी हो जाएगी। ये लो। मानव अब तुम बिना डरे अपने जन्मदिन की तैयारियां करो। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। मेहर मैं कितना लकी हूँ ना कि बालवीर मेरे साथ बर्थडे पार्टी में बर्थडे मनाने आएगा। देखा ले आए मेरे बवंडर,
पृथ्वी लोक पर बारिश करने वाले सारे बादलों को। अब पृथ्वी लोक पर कभी बारिश नहीं होगी, सूखा रेगिस्तान बन जाएगा पृथ्वी लोक। और अब अगर बालवीर को बच्चों की खुशी के लिए बारिश वाले बादल चाहिए तो उसे यहां आना होगा मेरे बवंडर लोक। मान गए आपको भवंडर परी, आप तो भयंकर परी से भी ज्यादा शक्तिशाली, चालाक और महान निकली। आपके बालवीर को हराने की ये युक्ति तो सच में बहुत अच्छी है भवंडर परी। ये सब देखकर तो बालवीर के होश उड़ जाएंगे। दिखाओ मेरे बवंडर वो सारे बारिश वाले बादल जिन्हें तुम कैद करके लाए हो। भवंडर परी, ये तो बहुत ही कम बादल हैं। इनसे क्या होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने कम बादल कैसे आए? मेरी बनाई हुई युक्ति कभी गलत नहीं हो सकती। कैसे हुआ ये? अरे इस बार बारिश के बादल बने ही बहुत कम हैं, और इसीलिए इस बार बारिश के बहुत कम बरसने की संभावना है। तो किसी और तरह बालवीर को बवंडर लोक में लाकर ही रहूंगी। मैं अपनी हार का बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। मैं कभी नहीं बैठूंगी। मैं फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.